माँ मैं तो तेन एक गल दसनी भुल गया। खैर भी है ओ माता खैर आ मेरी गल सुन ध्यान नाल। अपनी रमन ना प्रेगनेंट आ ते तू ओदे कोल एहो जी कोई गल ना करी जिदे करके दुखी होवे। सौखा बिल्कुल इहदा मतलब मैं डरदी बन रही आ। हां मां ले देखी आ फोन च बड़ा बैठा रहंदा बे मुंडे तू कोई काम कर लिया कर भाई। ओ मैं तां हुण चक्किया मां फोन। तू चल इहनू फोन नूं दित्ता मेरी गल सुन तू इहनू ना बहू नूं डाक्टर दे लेके जा। ओ मैं तां किन्नी वारी कहा मां उहनूं भी आपां डाक्टर दे चलीए वो कहन दी मेरी तबीयत नहीं ठीक आपां फिर चलांगे। पुत जे डाक्टर दे जाऊ डाक्टर कोई दवाई देऊगा चेकअप करू इहदा आए भला घरे बह के किवें तबीयत ठीक होऊगी। ओही तां गल आ बेबे एवें कॉल करी बैठी है तू ऐ कर उहनूं बोल मार ते आपां कर दें उहदे नाल गल। मां बुलाउंदी राणा नीरा राणा मैं की करां बुढ़ी जी रोज से आपां छेड़ दिंदी है भाग जाओ डॉक्टर दे भाग जाओ डॉक्टर दे जे मैं भागी ना सारा काम फेल हो जूगा। पहले तो वीरेंद्र फोन कर दी है। हेलो हाँ भैनी किथे आ मैं तो काम ते सी भैनी। तू काम ते रही जेड़ी पसूड़ी पाई है ना ओदा हल कर दे पता मेरी बुढ़ी करी जांदी है हुण डॉक्टर दे जा डॉक्टर दे जा। अनमोल कहिंदा तैनूं सवेरे डॉक्टर दे लैके जाऊं दस मैं हुण की करां। अनमोल ले जूगा। ओहो भाई तू चाह पानी पी बैठ के अभी हुण मुड़े आवांगे भज के। खड़ी करो भाई आ की रमन आ सारिया दवाइया उवें पईयां तू लईयां क्यों नहीं है। ए अनमोल मैं तां नहीं खादी थानू पता तां है मैनू डॉक्टर तो ते दवाइयां तो किन्ना डर लगदा हैगा मैं किवें खा लूंगी दवाई। की ओ ला रखी है जे डॉक्टर ने एक दवाई दित्ती है तां ओ सोच की दित्ती होनी है लैंदी क्यों नहीं तू दवाई। हेलो हां भरजाई ठीक ठाक वधिया तुसी सुनाओ। अच्छा अपनी सिमर दा विआह ना भरजाई मैनू ऐ दस अपनी सिमर तां हले पढ़ी जांदी सी सोनू की काली हुई है। अच्छा चलो तां ठीक है भाई धियां टाइम सिर घरे जान आपदे कुड़ियां कतरियां है ना। अच्छा की करदा मुंडा। अच्छा अच्छा चल फिर तो वधिया हैगा ठिकाणा वधिया मिल गया। हां हां आवांगे ले दस आवांगे क्यों नहीं वो तो मैं दस दूंगी अनमोल नूं अनमोल नूं तो वाले ही चौ चढ़ूगा। ले सुख नाल एक तो भैण है अनमोल दे ले दे के है ब्याह क्यों नहीं आऊगा। हां 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 बताई ओ मैनू माड़ा जिहा रमन बुलाउंदी है मैं उधर जाया मैं चंगा की कहिंदी है। कोई ना जरूर आवांगे तू चिंता ना कर ठीक है। ले ब्याह आ गया सुख नाल चल वधिया भाई भाई रमन जाए आऊगी बहाने नाल जवाक दा जी कुछ गोल हो जांदा है ना। मम्मी आ जाओ तुसी बोल मारो। ओए चुप कर जाना यार बंदे आई जंदे इधर। मम्मी मेरी गल पहला मेरी गल सुनो आपदी गल बाद च सुनाओ मैं सुनू एक खुशखबरी सुनाउनी आ। खुशखबरी केड़ी खुशखबरी मां इहनू घर पहला ओ गल सुन ला अपनी सिमर दा ब्याह करता। हैं सिमर दा ब्याह ते उन्होंने आपां नूं दस्सिया भी नहीं फिर। बे पुत कोई ना फिर की हुंदा ओ तां ना देखण आए सगन पा के ओदी चरक जना दा दिंदे तां बस उहनां ने। चल वधिया गल आ नाले सुख नाल इको एक तां भैण आ मेरे जावांगे क्यों नहीं जावांगे धमाला तां असीं पाउणियां। मैं तां तेरी मामी नूं आख्या सी मैनूं कहिंदी आके अनमोल नूं कहिंदी महान अनमोल की मांग रहे गा जरूर आउणगे ब्याह नाले ना हुण गल सुण लो मेरी तुसीं आपदी खरीददारी जिहड़ी करनी है उह कर लो फिर मौके ते कहोगे मेरे कोल आ नहीं मेरे कोल आ नहीं जो लिआउणा उहदा लिआओ। बेबे इह तां बुढ़ियां दा हुंदा इहनूं कह वी आपदा समान लिआओ जिहड़ा लै के आउणा
फिर मौके से कहूगी मेरा आओ रह गया मेरा आओ रह गया, मेरे को कोट पेंट पिया पिया वाला मैं तो उही पालू, बड़ा घेंट है वो। रहन दो नखरा तो थोड़ा वड्डा है, ठीक है, मेनू हर एक चीज पसंद आ जाती है, थोनू नहीं पसंद आउंदी। हाँ। ले पसंद नहीं आउंदी, तू इहदा शुक्र मना भी तू मेरे पसंद आ गई। क्यों मेरे ते एहसान करदे हो पसंद करके, दसो। चुप करो, किवें दे नी जवाखां वांगू लड़न लग जांदे ने, सरया पिया भाई छोटा भी। चल कोई ना, तुसीं तैयारियां करो। चल कोई ना मां, दिन चार पंज की रह गए। ओ कोई ना मां, इहनू दबा लिया मैं, जिहड़ा इहने मेमू कप जा हुंदा ना उहदा। ओही तां मैं कहिंदी आ वी इह कुड़ियां कत्तियां दा समान थोड़े जिहा वध हुंदा, पुत्त जिहड़ी चीज़ नू चित मंदा है ओह ले आई। ठीक है जी। चल मां तू कर ला काम धंधा, इहनू दबा लिया मां। चल कोई ना, जे कुछ लिया चल मेरे नाल। सूट लिया नी, शाम चला फड़ा फिर गेम खेडण दे। रमन का हूँ मैं की बुझा, मैनू तो नहीं लगता भी ये न्याणा होने वाला है। दो तीन महीने हो गए यदि ना कोई चाल ढाल बदली है, ना कद चक्कर ना उल्टी, कोई गल तो हैगी भाई, कितने ऊँ तो नहीं उदू बनाई जाती, नहीं किसी चीज़ खाने जी करे। मां मैं ना कम जाके आना। बे मुंडिया तू कम तो जाया ही, पहले इतने बैठ मेरे को, मेरी गल सुन। की गल हो गई? बे भाई देख गल सुन मेरी, है रमन का मैनू नहीं लगता है भी ये न्याणा होने वाला, जा तो ये न्याणा होने वाला नहीं, गल झूठ है, जा भाई जवाब में की कहेगा। क्यों मां उदे शहर तो गए से, रिपोर्टा भी दिखाई, उस साफ साफ लिखा सी रमन दे जवाक होने वाला है। मैनू नहीं रिपोर्टा का पता भाई, मेरा भी यही एक तजर्बा है। देख अजकल कुड़ियां कतरी होंगे ने ना, सौ तरह के चरित्र करते हैं, कदे खट्टा मिठा खाना हो भी, कद ए ना तो यदि चाल बदली है ना यद जी बदलेगा, उही जीव है। तो माता हरेक का शरीर ना अलग अलग होंगे, की पता हूँ आप। बे तू मैनू ना सिख्या भाई, की होना जे मैं एक जमे चार जापे तो मैं मेरी भरजाई दे कराए, तीन तेरी भूआ दे कराए, मैनू तो भाई गल कोई होर लगती है, तू पता कर। मां जे तू कहनी है तो मैं अज ही पता कर लैना, जाया उन्हें डॉक्टर को। फिर मेरी गल तो गौर कर लै मुंडिया, बीत्या बेड़ा फिर हथ नहीं आता है, कितने ऊँ ही अपन माँ पुतों चार दी हो। कोई ना मां मैं शक भी ना दूर कर देना, अज जाना मैं डॉक्टर को, करदा सारा पता। ये मूँह ना मैं कदे नहीं सुनया भी मेरी दवाई मुक्की पई है, मैनू दवाई लिया दो, मैनू डॉक्टर को लै जाओ। बे आही तो मैं कहनी हाँ ਕਿਤੇ ਉਈ ਨਾ ਅੱਜ ਵਾਖਾਣਾ ਇਹਨੇ ਤੱਕ ਵੱਜ ਜਾ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਇਆ ਮਾਂ। ਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੁੜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ। ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਤੇ ਉਈ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ ਲਾਉਣੀ ਆ। आप टेंशन हुई पई आ वी किन्ना टाइम होटलों तो खाएगा, हुण तां व्याह करा ही लै तू। हां देखी बैठा कुड़ी, मेनू तो कदी दसिया नहीं, क्यों मेनू दसन लगी शर्म आउंदी सी तेनू। हां हो लैण दे, मैं जानदी आं कुड़ी नू। कुड़ी तां तेरी देखी हुई आ भैणे, तू ओनू चंगी तरह जानदी आं। मैं कुड़ी नू चंगी तरह जानदी आं, आ की बोली जाना तू पागला। जिथे तक मेरा ख्याल है मेरी तां कोई सहेली भी नहीं कुमारी हैगी, सारियां दे व्याह हो गए। चल ठीक है फिर कुड़ी तो छेती छेती पूछ ले ते हां करवा ले, फिर तेरे व्याह दी तैयारी करिए। और तो बस सब ठीक है, तू तो गेड़ा ही नहीं मारे अदू बाद।
चल कोई नी ठीक है उदा ख्याल रखी ठीक है ले तो कुड़ी भी लभी बैठा ते मैं दस्या भी नहीं चल वधिया गल है जे व्याह हो जाए तो टोनी भी ना कम लै मैनु ये भी दस्या भी कुड़ी केड़ी है चल इन्ना शुक्र है उन्हें कुड़ी नु पसंद तो किया मैं तो ऐ सी सारी उम्र कुवारा ही रहूगा चल हुण मैं कहूंगी उन्हें छेती छेती व्याह ओ की करी जानी आ कुछ नहीं जी टोनी नाल गल करके हटी सी की कहंदा टोनी ओदे व्याह दी गल्लां करदी सी वी हुण तू भी व्याह करा लै चल ओ तां वधिया गल है मेरी गल सुन वाले ध्यान नाल हां जी तैयार हो जा आपां डॉक्टर कोल जाना शहर डॉक्टर कोले हां डॉक्टर कोले जवाब सवाल ना करा कर चुप करके तैयार हो जा ते तेन मैं बाहर उड़ीक दा आ जा हुणे ठीक है इन्होंने तो जिद्दी फड़ रखी है जान दी ऐवें कर दियां टोनी नूं फोन लाउणी आ टोनी नूं फोन करा कि जिहड़ी कसूड़ी च मैंने फसाया ना हुण तू आप ही आ चक ला फोन इक तां इह फोन नहीं चकदा हैगा रमन हाँ तेरे रिमोट दिख ही जाता बाहर आ जा तू मम्मी मैं आ गई मैं तैयार हूं मैं कपड़े चेंज कर ला पुत्र आ जाओ डिक्की आने के चल आ जा तुसी चलो मैं आ गई आ जी किधर खड़ी रहे आ गई मैं लगदा आज तो मैं फसी ले हुन की करा एक तो फोन भी नहीं चकदा चक ले जे अज ना कुछ होया ना घटो घटो भी दस तो दे चंगा भला पता भी मेरी मां नूं फिकर हो जांदा है मेरा तो ब्लड ही बधाई रख देने चल बे आ गए भाई तुसी आ गए मां की गया डॉक्टर ने फिर तेरी लाड़ली नूं नहीं पुछ ला भी की कहता डॉक्टर ना की होया दसोगे भी कुछ मेनू तेरा शक ना मां सही निकलिया एदे कोई जवाब जवूक नहीं होने वाला सब ड्रामे कर दी सी बे की कही है ना तू तेरा दिमाग ता ठीक है दिमाग ता मां मेरा आज ठीक होया इन्ना ने गल्ला जाके पता नहीं मैं की कुछ करता रहा हाय हाय नी तेनू पूरा शर्म ना आई तू साडे जज्बातां नाल खेडी है ना बोल हूं कुछ कि मैं खड़ी है दुन वटा बनी मम्मी जी मैंने माफ कर दो मेरे तो गलती होगी ना अनमोल जेड़िया हो रिपोर्टा आपन टोनी दे के गया सी फिर वो तो झूठ सी सारिया हां जी मम्मी वो रिपोर्टा भी ना जाली सी गया जो इन्हां दोनों भैन भरावां वालों बनाईया गईया सी मम्मी जी मैंने माफ कर दो मैं तो अवे कर दी सी जिवें मैनूं वीरा कहिंदा सी इस से मेरी की गलती मैनू ये दसो नी इनू गलती नी कहंदे ए चलाकी है जेड़ी तू साडे नाल खेडी है ना मैनू ऐ दस नी तेनू साडे घरे किस चीज की घाट सी जेड़ी तू साडे नाल आ कीती है ना ए तेनू कदे मैं कदे अनमोल ने कहा भी तेरे जवाक नी होया जा होण वाला जा की है असी कदे जवाक की गल कीती सी जेड़ी तू ऐ कीती साडे नाल ए गल दा जवाब ना मां हुण ये दोहे भैन भरा देंगे भी की गल सी ते की बात सी मैं सादा नूं इत्थे आहो सादे दे भरा नूं पुछी आपां नूं भी इन्होंने एडा बड़ा झूठ अपने नाल क्यों बोलिया ना ये तो जिही जी हैगी सी ओनू तो माड़ी मोटी अकल होनी चाहीदी है अनमोल मैनूं माफ कर दो हैलो टोनी तू जिथे भी है ना पंज मिंटां दे विच विच घरे आ जा ओ कोई ना तेनूं गल भी दसूंगा घरे तां तू एक बार
ਅਨਮੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਖੱਜ ਰੱਖਦੀ ਆ ਹੁਣ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਟੋਨੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮਾਫ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਉਣੇ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਧੀ ਬਣੀਓ ਨੀ ਮੇਰੀ। ਮਾਂ ਆਹ ਧੋਖੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ। ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਨਮੋਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਝੂਠ ਰਚਿਆ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਨਮੋਲ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੁੱਤ ਸੁਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਐਡਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਰਮਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜੋ ਤੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਨਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ। ਮਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਆ ਕੀ ਅਸਰ ਪਈ ਹੈ ਹੋਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਤਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਵੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਪੜਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੱਸ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਥੋੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜਾਣੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਕੋਈ। ਬੇ ਆਹੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੰਗ ਸਾਰਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਰਮਨ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਟੋਨੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਹੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਰਮਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਾਹਰ। ਭੈਣੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪੱਟੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਕਾ ਦੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾਇਆ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੇਖੀ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਰਾ। ਭੈਣੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੱਟੂਗਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ ਸਿਮਰ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੇ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਾ ਬਕਵਾਸ ਜੀ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਕਲ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਆਪਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਬੂਥੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਟੋਨੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਮਾਸੀ ਜੀ
मैं आपका घर बसाने लिए किया सब कुछ तुम मैनू ना माफ कर दो हूँ तो सिमा का रिश्ता भी कितने होर हो गया इनू तो बेचारी पता भी नहीं भी यह सब कुछ मैं किया मैं तो जिम्मे इनू कही गया यह उम्मीद करी गई माफी तो ना सुनू दोनों भैन भरा मैं किसी शर्त से नहीं मिलती क्योंकि तुसी गलती नहीं तुमने गुनाह किया साढ़े जज्बातों को खेडण का भाई अनमोल तू भी मैनू माफ कर दी मैं तो आपके मतलब लीना आपकी भैन का घर पट बैठा हाँ जी अनमोल मैनू माफ कर दो मैनू 1% भी नहीं पता सी कि टोनी आ कुछ कर रहा है किस गल करके कर रहा है मैनू सौ लगे थोड़ी कुछ भी नहीं पता सी मैनू गलती तेरी माफी आई होंगी ना तो मैं तेन जरूर माफ कर दिया पर तू गलती एड्डी वड्डी कर बैठी पर की करा तू मेरे पुत दे घर वाली है मेरी नूह है मेरे घर की इज्जत है मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की इज्जत का कोई मजाक उड़ावे इस करके ना तू इस घर च ही रहेगी मम्मी जी मैं माफ कर दो मैं थोनू ऐवें गलत बोलती रही तुसी ना अज मेरी अखां तों पट्टी खोलती ना तू कि नूह होगी तेरी मेरी कुछ नहीं लगती है चल रामा तू फिक्र ना कर कोई ना इनू मैं आपे समझा लूंगी टोनी तू आपके घरे जा भाई मासी जी मेरे लिए तो यही बहुत है जेड़ा तुसी राहुल नूं माफ करता मैं ना माफी सुनू ए समझ के दिती है भी तुसी बिना मां प्यो दे बच्चे हो क्योंकि अक्सर गलती कर जांदे ने बच्चे जिन्हां दे मां प्यो नहीं हुंदा तो जा मासी जी मेरे तो यही गल दा पछतावा है भी मैनू रब किवें माफ करूगा ओदा ठीक है रही गल सिमर दी ओनू भुल जा ते तैनू ना रिश्ता हुण मैं कराऊंगी किसे वधिया घर दा पर ए गल याद रखी अगे तो आपदा मतलब देख के ना दूजे दा घर ना पट्टी पुत चल ठीक है मासी जी हुण मैं जाना जा ते तू भी ना कमली दी कमली रही मम्मी जी मैनू की पता सी हुण ए सब ही तां कर रहे हैं कि मैं सिमर नाल व्याह करवाना है निकट तो घट मैनू ता दस दिंदी मैं तेरी हर एक गल मानती सी हर एक सुनती सी कमलिया मैं तो तेरी मां मर के रही सी तै कुछ भी ना सोचा मैनू माफ कर दो चल कोई ना चल फिर आए कर मैं चाह दी घुटर लग लिया बना दिनी है जा शुक्र है परमात्मा समत बख्शी तै रख आप दे तेरे कहने ते नू एक बार माफ कर देना सच्ची हो हाँ बेबे पर तू इत्थे कल्ली किवें रहेगी पुत मेरी गल सुन तू कल्ला नहीं मेरे कोल मेरा एक पुत होर हैगा कौन बेबे टोनी अच्छा चल कोई ना बेबे मैं उन्हूं कह दूंगा फोन करके भी वो इत्थे ही आ जाऊगा तेरे कोले ले मैं तो उन्हूं कह भी दिता तैनू की लोड़ अच्छा। वो भी तो कल्ले ही रहना उत्थे सही गल है असि मां पुत दोए उरे रहांगे जा खड़ जा हुणी ना बैठ जा पता हुंदा लै पै कर चल नारे पुत किते ना किते जिम्मेवार मैं भी सी इस गलती च तो जे मैं ओदी इनू तेरे नाल तोर दंदी फिर ये होणा ही नहीं सी सही गल है मां चल कोई ना छड्ड इना पुरानियां गल्लां चल मैं भी ऐ कहनी है पुत ओनू भुल्लिया नहीं कहीदा जेकर ही आ जे मुड़ के सही गल है मां चल तू आपदा ध्यान रखी माता चंगा पुत खुश रहो मेरा पुत